देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। ज्वालापुर के ग्राम हजारा ग्रंथ में क्रिकेट मैच के उद्घाटन भूप सिंह की ओर से किया गया। इस मैच में 32 टीमें खेलेगी, जिसमें जो टीम फाइनल में जीत हासिल करेगी उसको 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और हारने वाली टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं विधानसभा ज्वालापुर से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर भूप सिंह ने कहा कि शिक्षा जहां बच्चों को संस्कार बनाती है, वहीं खेलों से इनका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों को इस खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। भूप सिंह ने कहा कि अगर मेरा चेहरा विधायक के रूप में जनता के सामने आता है तो बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम बनाया जाएगा। वहीं पूर्व प्रधान बंधु हसन का कहना है कि ज्वालापुर सीट पर हम क्षेत्रीय दावेदार भूप सिंह की मांग करते हैं और उन्हें हम पूर्ण बहुमत से जिता कर भेजेंगे। मैं सबसे पहले तो हजारा ग्रंथ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, हजारा ग्रंथ के युवा साथियों को धन्यवाद देता हूँ। वो क्रिकेट में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गरीब क्षेत्र है, घाट क्षेत्र, यहाँ स्टेडियम की कोई व्यवस्था नहीं है। बेचारों ने ऊंचे नीचे खेत को सही कर कर क्रिकेट शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि यहाँ पर ये घाट क्षेत्र यहाँ के स्टेडियम बनाए जाए और यहाँ से भी ऋषभ पंत बनकर निकल सकते हैं अगर सरकार। खबर कलियर से है, जहां विधानसभा ज्वालापुर के गांव हजारा ग्रंथ में क्रिकेट मैच का उद्घाटन भूप सिंह ने किया। इस मैच में 32 टीम खेलेंगे और इस मैच में जो टीम फाइनल में जीत हासिल करेगी उसको 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और हारने वाली टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वही विधानसभा सीट ज्वालापुर के कांग्रेस टिकट की दावेदारी कर रहे भूप सिंह ने कहा कि शिक्षा जहां बच्चों का संस्कारी बनाती है, वहीं खेलों से इनका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों को इस खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। वो क्रिकेट में अपनी रुचि दिखा रहे। खबर कलियर से है, जहां क्रिकेट मैच का आज आयोजन हुआ है, जहां भूप सिंह ने मैच का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि जहां पढ़ाई लिखाई से बच्चे संस्कारी बनते हैं तो वहीं खेलकूद से बच्चों का शारीरिक विकास होता है और स्वस्थ बने रहते हैं। भूप सिंह ने कहा कि मैदान अगर इस बार वो 2022 का विधानसभा चुनाव अगर जीतते हैं तो वो आने वाले दिनों में बच्चों के लिए एक स्टेडियम भी बनवाएंगे, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास हो सके और बच्चे खेलकूद के मामले में भी आगे बढ़ सके। उत्तराखंड राज्य में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव सभाओं की विसाद बिछनी शुरू हो गई है, जहां आज उत्तराखंड राज्य के विकास नगर पछवादून के कांग्रेस पार्क सम्मेलन का आगाज हुआ। आज विकास नगर के उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस सम्मेलन के माध्यम से हुंकार भरी। इस कांग्रेस सम्मेलन में पछवादून जिलाध्यक्ष संजय किशोर, पूर्व मंत्री समिति अध्यक्ष विपुल जैन व कांग्रेस के सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जब हम लड़ाई के मैदान में उतरते हैं तो इस जंग को जीतने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। राजनीति में कभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और कभी विपरीत होती है। उन विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस के साथियों को ढाल बनाकर काम करना है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रीतम प्रतिपक्ष ने कहा कि आज सत्ता में बैठक लोगों ने जनता के बड़े बड़े वादे किए थे, जहां लेकिन वे वादे जन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। पछवादून जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां विकास नगर विधानसभा के कार्यकर्ता साथियों का सम्मेलन बुलाया गया और मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिला। महंगाई तो चरम पर है और उस महंगाई का एहसास आपको भी हो रहा होगा, क्योंकि आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और इस महंगाई से आम जन त्रस्त है। और कांग्रेस ने आह्वान किया है कि जिस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया,
जिस सरकार के रहते हुए आम जन का जीना दूरभ हो गया है। बाजपुर में बिलापुर जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह के नेतृत्व में ईसाई धर्म समाज सैकड़ों महिलाओं और पुरुष मंडी में एकत्र हुए। सैकड़ों लोगों ने हाथों में काले झंडे, यशपाल आर्य वापस जाओ के नारे लगाए। नारा लगाते हुए काफिला गुरुद्वारे से होते हुए मेन रोड पर जमकर नारेबाजी कर हंगामा करते हुए राम भवन धर्मशाला में पहुंचा। जब जनता ने हाथों में काले झंडे लेकर हुए काफिले पर देखा गया तो लोग कहने लगे कि ऐतिहासिक विरोध है। कुलविंदर सिंह केंदा के काफिले के आगे भारी संख्या में पुलिस फोर्स चल रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात किया गया था और राम भवन धर्मशाला में सभा का कोई दिग्गज किसानों व राजनीतिक व्यक्तियों ने संबोधित किया। सभी का एक ही कहना था कि भारी विधायक नहीं चाहिए, हमें स्थानीय विधायक चाहिए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यह तो मामूली सा एपिसोड है, अभी तो इससे बड़ा एपिसोड आगे चलकर होना है। बाकी उन्होंने कहा कि भाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता स्थानीय विधायक की मांग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपुर क्षेत्र की जनता इस बार किसी भी कीमत पर दल बदलू नेता को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब से ये कांग्रेस में आया है, जनता ने इसको कहा कि हमारी बातचीत को तुम छोड़ दो, तुमने बहुत इसको सींचा है और बहुत नाराज है लोग, भाई तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, दल पलटू नेता है, इसको गद्दार समझ लिया है भाजपा की जनता ने, उसको माफ नहीं करेगी किसी कीमत में भी। अब इसने ठेका थोड़ी नहीं रखा है, इसने जन्म भर का, ये कहता है मेरी कर्मभूमि है, अरे भाई हमारी तो जन्मभूमि है, तू कर्मभूमि वाला कहाँ से आ गया भाई, तू सब लोगों की, सब लोग स्थानीय लोग हैं, यहाँ का विधानसभा के लोग सारे लोग आए हुए, हर गाँव में से आए हुए हैं, हमारी उसमें भूमिका ये है कि लोगों की आवाज़, हम जनता की आवाज़ यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, हम ये, हमको ये कहता है गुंडा, गुंडा तो ये है। खबर लक्सर से है, जहां घर से स्कूल जाने के लिए निकली एक नाबालिग छात्रा को दो युवकों ने जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने गांव ले गए और दोनों युवकों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया। घर पर पहुंचकर पीड़ित छात्रा ने आप बीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद उसके परिजन लक्सर कोतवाली पहुंचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। वहीं कोतवाली यशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि नाबालिग छात्रा से दो युवकों की ओर से उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुबह 9 बजे के लिए स्कूल के लिए निकली हुए घर से, तो पुल के नीचे मिले मेरे को, उन्होंने कहा चल तेरे को स्कूल तक छोड़ते हैं, मैंने नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी, जबरदस्ती बिठाया कि चल चल, मैंने कहा कोई नहीं चल छोड़ दे स्कूल तक, स्कूल तक नहीं सेठ फूल ले गए, सेठ फूल ले जाके घर में ले गए, वो वहीं पे उन्होंने जबरदस्ती करी मेरे साथ। कितने लोग थे? बालिका है, स्कूली छात्रा है, इसके साथ दो युवकों के द्वारा उसके असली फोटो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप किए जाने का मामला प्रकाश में आया, इसकी विवेचना, मुकदमा दर्ज कर विवेचना स्टार्ट कर दी। रानी पोखरी की ओर से नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश की ओर से आवारा पशुओं को छोड़ने आ रहे 3 युवकों ने नगर निगम की टीम ने देहरादून रोड स्थित जंगलात बैरियर के पास पकड़ लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर बहसबाजी हुई, नौबत हाथापाई तक पहुंची तो लोगों ने बीच बचाव किया, कर्मचारी युवकों को पकड़कर नगर निगम ले आए। नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि लगभग 30 से 40 आवारा पशु को नगर निगम की सीमा में छोड़ दिया गया है। आगे कर्मचारियों ने कहना है कि लगातार क्षेत्र से आवारा पशु को पकड़ रहे हैं, जहां रानी पोखरी की गौशाला और हरिद्वार स्थित गंडी खाता में गौशाला में भेज रहे हैं, बावजूद इसके आवारा पशुओं की संख्या शहर में कम नहीं हो रही। नगर निगम के अधिकारियों ने फिलहाल युवकों को चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया है, जहां दोबारा ऐसा मामला संज्ञान में आने के बाद नगर निगम कानूनी कार्रवाई भी करेगा। यह आवारा पशुओं का जो सचल दस्ता है वो मेरे पास है, हम लोग जो है शहर से आवारा पशु पकड़ते हैं, लेकिन हमारे इतने पशु पकड़ने के बावजूद भी शहर से जो है आवारा पशु कम नहीं हो पा रहे थे, तो हमने एक टीम बनाई जिसमें हम यही चारों तरफ से रैंकिंग कर रहे थे कि कौन आवारा पशु हमारे शहर के अंदर छोड़ रहा है। तो आज सुबह भी जब हम लोग घूम रहे थे तो हमें पता चला कि रानी पोखरी साइड से कुछ लोग जो हैं 30-40 आवारा सांड लेकर के ऋषिकेश की तरफ आ रहे हैं।
चंपावत के टनकपुर से लगे बस्तिया गांव में हाथियों के झुंड गांव में खेतों में प्रवेश करने जा रहा है, जहां गेहूं की फसल अभी कुछ बड़ी हुई है, जहां हाथियों ने खेतों में घुसना प्रारंभ कर दिया। बीते दिन बस्तिया क्षेत्र में शाम होते ही हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर गया। हाथियों ने 50 बीघा गेहूं की फसल को रौंद कर नष्ट कर दिया और फलदार वृक्षों को भी तोड़कर चले गए। ग्रामीणों ने कहा कि हाथी काफी हल्ला शोर मचाने के बाद भी खेतों में से नहीं गए, मशाल जलाकर दिखाने से भी टस से मस नहीं हुए जब तक हाथी नहीं गए। ग्रामीणों ने भय का माहौल बना रहा, जहां ग्रामीणों ने कहा गेहूं धान की फसल जमते ही हाथी गांव में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से ग्राम पंचायत बस्तिया के लिए सोलर फेंसिंग की मांग रखी गई है, जिससे हाथियों के प्रवेश को रोका जा सके। शाम होते ही हाथी बिल्कुल नुकसान कर जा रहे हैं, हमारे घर के नज़दीक आ रहे हैं, जंगलात की ओर से कोई इंतज़ाम नहीं है। 50 बीघा खेत में हाथी बिल्कुल नुकसान कर गए हैं, कम से कम 10 बीघा बिल्कुल साफ रोंद गए हैं और जंगलात की ओर से कोई सरकार की ओर से कोई इंतज़ाम नहीं है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सिटकल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जानकारी के अनुसार रावली महदूद स्थित सतवीर पाल के मकान में किराए पर रहने वाली 20 साल की नवविवाहिता सविता की फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की खबर मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस की तरफ से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है। मुझे कोई पता नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है, मतलब प्यार मोहब्बत से रहते थे। जी हाँ, नहीं, लड़ाई ना हो किसी और बात पे, पत्नी परेशान हो? नहीं, कोई चीज के लिए परेशानी नहीं। तो आप जब सुबह गए तो किस हालत में थी? सही थी जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो लेटती थी, मेरी बहन ने खाना बनाया, खाना बन के हम भाई बहन ड्यूटी चले गए। तो अब तुम्हें सूचना? अभी फोन कराया तो मुझे कंपनी से सूचना मिली तो मैं ड्यूटी से आया, सब मुझे छोड़ने आए। नरेंद्र नगर के श्री गुरु राम पब्लिक स्कूल ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माताओं के लिए स्मार्ट मदर कॉन्टैक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय से इस नई परंपरा के आयोजन से शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में विद्यालय की इस पहल की जोरदार प्रशंसा की जा रही है। इस दौरान प्रतियोगिता में भाग लेने आई माताओं का कहना था कि ऐसी प्रतियोगिताओं से उनकी झिझक दूर होगी और उन्हें भी एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में सिंगिंग डांसिंग समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रतियोगिता में क्या कुछ खास रहा। पहली बार रखा है यहाँ पे ये चीज, मैं मतलब मम्मियों के लिए, और हमें भी बोलने का मौका मिला और अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा से इन्होंने यहाँ पे बोला। और हम चाहते हैं पेरेंट्स लोग भी और टीचर्स भी, सारे लोग इस जो ये कार्यक्रम करा इन्होंने, हर साल करें, और इसमें हम सारी मम्मी और बच्चे भी, जितने भी बच्चे हर साल करते हैं यहाँ पे बच्चे कंपटीशन, तो बच्चे भी और मम्मियाँ भी सब लोग आगे बढ़े, मतलब हमारा देश, हमारा स्कूल, हमारा नगर जो जहाँ पे ये हो रहा है, ये बहुत अच्छे से बहुत आगे बढ़े। और बस इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो माताओं की, जो जनरली बच्चों के लिए इतना कुछ करती है, उनकी सक्रिय भूमिका जो स्कूल के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें वो रखें, साथ ही उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें हमने छोटी छोटी जो जीके जनरल नॉलेज से संबंधित होती है या किसी विषय के टॉपिक में बोलना होता है, तो इस तरह का कुछ कॉन्टेस्ट माताओं के लिए किया कि जिससे उनके अंदर की जो हेजिटेशन क्या हो सके निकल सके, और जितनी भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं उनमें वो अपने अपनी जो प्रतिभागिता है उसको सुनिश्चित कर सकें। बच्चों के भविष्य के निर्माण में शिक्षकों के साथ साथ माता पिताओं की बड़ी भूमिका हुआ करती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में स्मार्ट मदर कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों की माताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। डांसिंग, सिंगिंग, कोविड से बचाव, अनुशासन, शिक्षकों से अपेक्षा, इस तरह के बिंदु और विषय उनको दिए गए। बेबाकी से बच्चों की माताओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और बेहिचक अपनी बात को उन्होंने बोला है। सिंगिंग और डांसिंग में उन्होंने बिल्कुल बाकायदा प्रस्तुति देकर सभी को आकर्षित किया है,
और इस प्रतियोगिता के कराए जाने से नगर वासियों ने और यहाँ के आसपास जो गांव हैं उन्होंने विद्यालय की बड़ी प्रशंसा की और कहा है कि इस तरह के आयोजन लगातार हर वर्ष होते रहने चाहिए, इससे बच्चों को जहाँ सीखने का मौका मिलेगा वहीं अभिभावक भी एक दूसरे से सीखेंगे, बच्चों के अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने में लगी है, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। भले ही ऋषिकेश में मौसम ठंडा रहा हो लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने सैकड़ों बाइक सवार कार्यकर्ताओं के साथ जनसमर्थन रैली निकाली। रैली से मौसम में राजनीतिक गर्माहट पैदा हो गई और रैली ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के चित्रवाला से शुरू होकर श्यामपुर IDPL होते हुए ऋषिकेश से इंद्रमणि बडोनी चौक पहुंची। यहां उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उत्तराखंड क्रांति दल ने चुनाव मैदान में उतरकर अपनी जीत का दावा किया। उत्तराखंड में जो है इस समय कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और ऋषिकेश में तो बहुत ही ज्यादा जोश में दिखाई दे रहा है और इस बार जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनने वाली है। हमारे पास भू कानून है, पलायन जैसे मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और तमाम तरीके के हमारे जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर हम जो है पब्लिक में जा रहे हैं। ऋषिकेश के विधानसभा जो अध्यक्ष इस समय बीजेपी के हैं उनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है ना बीजेपी का, क्योंकि हम एकदम उनके एजेंडे से भी हमारा एजेंडा ऊपर है और हमारे कंपटीशन में तो अगर देखा जाए तो कहीं। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।